मेरी एक स्टूडेंट है, उसने मुझे फोन किया। मैंने पूछा, और दिव्या तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? बोले, सर पढ़ाई तो ठीक चल रही है, लेकिन सर मैंने एक काम किया अभी। मैंने कहा, क्या किया? कि मैं कहीं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ। अच्छा, वो इंग्लिश मीडियम है। उसके एक दिन कोर्ट में एसोसिएशन, बार एसोसिएशन के चुनाव थे, उसके पापा मुझे मिल गए। उन्होंने कहा, मेरी बेटी ने बीएससी कर ली, मेरा मन है, मैं इतने दिन तक टाइपिंग वाइपिंग और ये सब करता रहा हूँ कि मेरी बेटी जज बन जाए। मैंने कहा, जज कोई भी बन सकता है, कहीं से कोई लिखवा के, कोई ईश्वर ने स्पष्ट नहीं लिखा है कि ये जज बनेगा ये नहीं बनेगा। ये तो दो ही चीजों पर आधारित है कि आप जो बनना चाहता है उसकी आग कितनी है, उसमें आग है या नहीं है। पता लग रहा है उसमें आग ही नहीं है बनने वाली, तो नहीं बना सकता, कोई भी नहीं बना सकता, मैं भी नहीं बना सकता, ना हमारे को दुनिया भर के कोई टीचर बना सकता। तो बोले कि मैं लेके आता हूँ कल, मैं ले आओ। तो बीएससी उसने किया था, तो मैंने कहा चलो इससे तो खैर ज्यादा क्या बात करूं, एलएलबी में एडमिशन दिला दो। हमारे यहाँ ही उसने एडमिशन ले लिया, एलएलबी किया, फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया, थर्ड ईयर किया। वो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वो क्लास तो नहीं गई, बाकी लॉ की क्लासेस, तो जुडिशरी की 3 साल उसने क्लास पढ़ी। उसने पिछले बार फर्स्ट टाइम में ही इंटरव्यू दिया। 16 स्टूडेंट थे ऐसे जिन्होंने, जिनकी डिग्री नहीं हुई थी और आरजेएस का इंटरव्यू देने चले गए थे, जो इसी तरह 3 ईयर लॉ की बता रहा हूं मैं आपको। तो इसने इंटरव्यू दिया, वो तो ठीक है, इंटरव्यू दिया और उसका फाइनली नहीं हुआ, लेकिन उसने पिछली बार पहली बार में इंटरव्यू दिया। तो उसका परसों फोन आया मेरे पास शाम को, बोले मैं कहीं पढ़ाने लगी हूँ। मैंने कहा, अच्छा क्यों, क्या जरूरत आ गई थी तुम्हें? तो नहीं सर, बस वैकेंसी नहीं आ रही, इतने दिन पढ़ लिए और मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं। मैंने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई है? बोले कि सर ऐसे क्यों? ऐसे इसलिए, तेरे को 1 लाख रुपया घंटा भी देना तो भी नहीं पढ़ाना है। बोले ऐसा क्यों? मेरी तैयारी हो जाए। तैयारी नहीं होगी तेरी, तू अपने जीवन में कभी भी नहीं बन पाएगी। एक्सेप्शंस को छोड़ दो, एक्सेप्शंस को छोड़ दो तो पढ़ाने वाले का सिलेक्शन नहीं होता, एक्सेप्शनल कंडीशन में ही होता है उसका, कोई हो गया हो तो। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जैसे आप पढ़ाने के बंधन में जाते हो तो आपकी ऊर्जा तो दूसरों के लिए काम आती है, तुम्हारे लिए काम नहीं आती, तुम परफेक्शन में नहीं आते। जब तुम परफेक्शन में नहीं आते, क्योंकि ये एग्जाम है ही नहीं पास और फेल का, एग्जाम है मेरिट का। अपने को मेरिटोरियस बनाओ, अपने को पढ़ाओ, अपने को सक्षम बनाओ, अपने को मेरिट में लाओ। मुझे याद है कि हम, मैं जैसे फर्स्ट टाइम आया आरएएस का मेन एग्जाम देने, पहले प्री देने आया, फिर मेन देने आया, और कोटा सेंटर आया। कोटा में एक रिलेटिव रहते थे, सामान्य तौर पर लोग सोचते हैं कि भाई रिलेटिव के यहाँ पर जाएंगे, रिलेटिव के यहाँ, तो मैं वैसे ही देने चला आया। तो प्री मेरा पास हो गया, फिर मेंस देने आया। वहां किसी ने बताया कि एक भाई साहब है, उनका आईएएस भी क्लियर हो गया है और वो पढ़ाते हैं। तो मैं, मेरा एक दोस्त है अभी थोड़ी देर पहले जिसका फोन आया था, जिसका अभी फोन आ रहा था, अभी मैंने बीच में काटा, मैंने कहा, तो वो एडीजे है अभी हमीरपुर में, यूपी में, वो और एक राजेश वर्मा और एक राजेश मीणा और एक योगेंद्र अवस्थी, हम सब लोग उनके पास पढ़ने जाए। अब क्या है कि वो हमें बड़े अच्छे से पढ़ाए, और वो एग्रीकल्चर अफसर थे और इम्प्रूवमेंट ही दे रहे थे, वो सो लग रहा था कि भाई आईएएस इस बार हो जाऊंगा मैं, तो बड़े अच्छे से हमें वो चीजों को पढ़ाए। और हमें हमें राजस्थान नहीं आता था, हम सब लोगों को, तो हम राजस्थान जी के पढ़ने जाया करते थे उनसे। तो उन्होंने एग्जाम दिया, उन्होंने
जब बहुत अच्छे से पढ़ाते थे तो सारी ऊर्जा तो हमारे ऊपर लग रही थी, अपने ऊपर कुछ लग नहीं रही थी। वो फेल हो गया आईएएस। इतने मेहनती, इतने बढ़िया, ऐसे व्यक्तियों को आईएएस होना ही चाहिए, इतने शानदार व्यक्ति। अभी टोंक में एग्रीकल्चर अफसर हैं, ऐसे व्यक्ति को इस लेवल का अधिकारी होना ही चाहिए, लेकिन वो नहीं हुए। अब आप देखना, चंद्रमान का हो गया, वो भी एडीजे है। योगेंद्र का हो गया, वो भी असिस्टेंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर है। राजेश का हो गया, राजेश मीणा का हो गया, मेरा भी हो जाता। अब उसमें क्या हुआ कि मेरे गुरुजी थे, मेरा उनके प्रति बहुत बहुत ज्यादा लगाव है, प्रेम है, आज भी है। तो उनसे कुछ पढ़ने आते। अब उनका एक इंस्टीट्यूट था, तो मेरे से बोले कि आपको, मैं पहले ही उससे पहले एग्जाम दे चुका था, मेंस वगैरह दे चुका था, बोले यार मेरी ये क्लास संभालनी है। अच्छा, हमें भी बड़ा अच्छा ऐसा लगता था, हमारी एज ग्रुप के लड़के लड़कियां हमारे सामने बैठते, हम उन्हें कुछ बता रहे होते थे, हमें बड़ी खुशी होती थी। मैंने कहा ठीक है, गुरुजी ने कहा है तो हम बड़े। अब हम ये तो भूल गए कि हमें हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से कैसे कैसे प्लानिंग करके मेंस देना है, वो तो हम भूल गए। हम कहाँ लग गए, दूसरों को पढ़ाने और दूसरों को पास करवाने के लिए। और मैं पास फेल का एग्जाम नहीं है, मेरिट का एग्जाम है। इतने से टॉप लेवल के ऊपर के लोग, आईएएस आरएएस, इनमें कितने कितने टॉप लेवल की रैंकों पे लोग होते हैं, बहुत कम, मुट्ठी भर लोग। और उनमें करने ये लग गए, करने लग गए, पता लगा हम भी फेल। दिल्ली गया, वहां मेरा एक लोभ, चलो यार थोड़े दो 2 घंटे पढ़ा भी लेता हूँ, घंटा भर पढ़ा भी लेता हूँ, तो पढ़ाना आ गया था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो गलती बहुत बड़ी हुई, क्योंकि जब भी, हाँ वो ठीक है, डिस्कशन होना चाहिए, दोस्तों में बैठे दोस्तों में डिस्कशन, पढ़ा नहीं रहा हूँ, मेरे को जो आता है मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, मैं अपना रिवाइज कर रहा हूँ, वहां तक तो ठीक। पढ़ाना 1 लाख रुपए घंटे भी दे कोई, नहीं पढ़ाना, पढ़ाने वाले बंधन में नहीं, क्योंकि ये मेरिट का एग्जाम है। टॉप लेवल पे अपने को बनाओ ना, उस लेवल का, टॉप के उस लेवल पे आओ। दूसरा, जैसे रायसली ने 2 बैच शुरू कर रखे, 2 तरह के बैच शुरू कर रखे, एक का नाम है सिलेक्शन बैच और एक का नाम है टारगेट बैच। टारगेट बैच सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने पिछले बार मेंस लिखा था या इंटरव्यू दिया था, उन लोगों के लिए टारगेट बैच है कि भाई ठीक है, और ब्रशअप करके वहां तक चले जाए। एक है सिलेक्शन बैच। सिलेक्शन बैच किसके लिए, भाई सिलेक्शन नहीं हो जाने तक तुम यहीं बैठे रहो, क्योंकि ये एग्जाम इस लेवल का है, ऊपर तक लेके जाना है आपको। आपकी घुसाई जब तक नहीं हो रही है तब तक, मैं इसी क्लास में पिछले साल कम से कम 10 एक स्टूडेंट, इतने शानदार स्टूडेंट जिनका संभव है कि वो हो जाते, तो मेरा अनुभव कहता है वो पास हो जाएंगे, लेकिन बड़ा अच्छा लिखते, बड़ा अच्छा सुनाते। अब उनके बैचेस जैसे साल पूरा हुआ उससे पहले पहले वो चल दिए, अब वो कहीं पर कभी थड़ियों पे बैठते हैं, चाय की दुकान पर बैठते हैं, दोस्तों के मजे करते हैं, ये कामों में लगे हुए। अब उनका होने का है, नहीं होने का है उनका, अच्छा लगता है। लड़कियों को लड़कों के साथ, लड़कों को लड़कियों के साथ बैठना अच्छा लगता है, उसमें वो टाइम पास कर रहे होते हैं, रोज का टाइम पास चल रहा होता है। अब उनका होना नहीं है, वो जरूर कहे यार वो हमारे साथ ही तो बैठती थी लड़की, वो हमारे साथ ही तो बैठता था लड़का, इसका सिलेक्शन हो गया। उनका नहीं होना, क्योंकि ऊर्जा का दिशा दूसरी हो गई है। वही स्टूडेंट क्लास में कंटिन्यू कंटिन्यू बैठे हुए होते, तो जो बाद में आए वो तो उनसे प्रेरणा ले रहे होते, यार ये कितना आगे है, और वो कंटिन्यू यही कर रहे होते। दूसरी, कितना सा लोभ। सिलेक्शन बैच सबसे सस्ता बैच है, उससे सस्ता बैच हो नहीं सकता, लेकिन वो सिलेक्शन बैच, उसके लिए बंटी ने तो मेरे से इस बात के लिए विरोध भी किया, नहीं नहीं आप ये क्या कर रहे हो, कब तक बैठा रहेगा कौन स्टूडेंट, नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमें पढ़ा सिलेक्शन के लिए रहे हैं,
हम पढ़ा किसके लिए रहे? सेलेक्शन के लिए। ये मैंने उसको कहा जी तेरी समझ में नहीं आएगा, ये फेल पास का एग्जाम नहीं है भाई, ये मेरिट का एग्जाम है। मेरिट पे लाने के लिए किसी को उस लेवल पे लाओगे ना, तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी घिसाई तब तक करनी पड़ेगी जब तक कि उसमें वो निखार ना आ जाए जो 200 स्टूडेंट में, 150 स्टूडेंट में होता है, वो नहीं है इसमें अभी। अब जैसे ही इस लेवल पे आते हैं, एक लड़की, दो लड़कियां पिछले बार हमारे साथ, उन्होंने भी दिया था, मेंस भी दिया, उनमें कुछ ने इंटरव्यू दिया। मैंने कहा देखो तुम्हारा मेंस हो गया है, इंटरव्यू हो गया है, तो बोले सर अब क्या करें? मैंने कहा फिर भी वो जिस रास्ते से हुआ उसी रास्ते पे बैठे रहो, उसी में और ब्रशअप करते रहो, कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहो। अब वो नहीं आ रहे। एक आदमी तो शादी कर कर आके अपना दूसरी तरफ साइड कर लिया। अब नहीं होगा, ये उस लेवल का कंपटीशन नहीं है जिस लेवल पर होते हो। ये तो है उस मेरिट का नाम जो सबसे ऊपर वाले लिए जाने, बाकी नीचे कुछ लिया ही नहीं जाना। तब तक क्लास की आवश्यकता है। बात ये नहीं है कि क्लास हमारे सब समझ में आ गया, समझ में आने से भी मतलब नहीं है। कोर्स पूरा करने का एग्जाम नहीं है ये। एक बार कोर्स पूरा कर लिया क्या कर लेंगे आप? जब तक कोर्स पूरा होगा तब तक याद वाद कराएंगे, तब तक जैसे ही 2-3 महीने छूटेंगे आप ऐसे झटके से गर्त में चले जाएंगे। आपको उठाया जा रहा है पहले लास्ट के 40 में हजार से 39 में हजार, 38 हजार, 30 हजार, 20 हजार, 15 हजार और 1,000, और फिर वहां 500, फिर 200, वहां तक लाया जा रहा है धीमे धीमे धीमे। बैठे रहो ना आप तो उसमें, करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, यही प्रक्रिया है इसकी। अभी कई लोग बहुत अच्छा सुना रहे हैं, बहुत अच्छा उनकी समझ है, ये मेरी गारंटी है कि ना 2 महीने यहां से ब्रेक करा दो, ये कुछ नहीं रहेंगे, ये सब जीरो हो जाएगा। कोचिंग को पढ़ना नहीं जानते, कुछ ही पैसों का अंतर है उन बैचेस में, लेकिन सिलेक्शन में, अरे भाई 1 साल पीछे होते हैं तो 18-20 लाख रुपए का नुकसान होता है। कितने रुपए का? 18-20 लाख। कभी कभी वैकेंसी लेट हो जाती है, जैसे अभी हुई पिछले साल की नहीं आई, 2023 में कोई वैकेंसी नहीं आई। 2023 में इसलिए नहीं आई क्योंकि 4 अप्रैल को वो सारा बैच ज्वाइन किया था, तो उन्होंने लगा ऐसा इस बार अभी मार्च तक आ जाएगी, आ जानी चाहिए। तो जो लोग 22 में थे उनका 23 चला गया। जिस दिन नौकरी लगती है तो उतने पैसे तो मिलते हैं, हर दिन पैसे मिलते हैं, हर दिन के पैसे मिलते हैं जिस दिन नौकरी लग जाती है, तो उस पैसे को लगाया जाए, कैलकुलेशन लगाया जाए तो वो कितना, और पूरे लाइफ में जब लास्ट में रिटायर हो गए उसके कैलकुलेशन लगाई जाए भाई कितने इंक्रीमेंट मिलेंगे, कितना हम पीछे रह गए, कितने बैच से पीछे रह गए। जो मान लो एक बैच पीछे भी हो, आप इस बैच के टॉपर भी हो, तो भी 2022 वाला जो बैच था, 2022 वाला का जो लास्ट वाला था उससे ऊपर तो भी नहीं हुए भाई, उसके नीचे ही तो लगेगा बैच, उसके बराबर तो फिर भी नहीं पहुंचे। इसलिए मैं कहता हूं सारे विद्यार्थियों से, आप बैठे रहिए, आप अपने को माहिर बनाते रहिए, माहिर माहिर माहिर। आपको लगने लगे कि इस क्लास में मैं चोटी पर बैठा हूं, सबसे होशियार मैं हूं। ये करना ही पड़ेगा। कितने बार पढ़ना है, कितने बार भी पढ़ना पड़े, माहिर को और क्या ज्यादा आता है इसमें? 3 ही तो पेपर हैं, लैंग्वेज, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, और कोई भी माहिर बना नहीं एक बार पढ़ के, सबको बार 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 पढ़ना।